गाइस, मुझे धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि शायद मैं ही हूं वो दरिंदा जिसने अपनी प्यारी चिप्पू की जान ले ली। इसे ही कहते हैं एक्सपी फार्म, और अगर कुछ ये इंपॉर्टेंट ड्रॉप करते हैं तो वो सारा यहाँ आ जाएगा। चिकन चिकन कहाँ से आई वहां पे? जब मैंने वो एक्सपी फार्म बना के कंप्लीट किया था, हमारी चिप्पू उसे देखने गई थी, वो अप्रिशिएट करने गई थी मेरे हार्डवर्क को, और मैंने कैसे रिप्लाई दिया उसे? चिकन चिकन कहाँ से आई वहां पे? मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता मैं कितना सैड फील कर रहा हूँ, बिकॉज चिप्पू ऐसे जाना डिजर्व नहीं करती थी। चिप्पू हमारी इस वर्ल्ड की सबसे पहली फ्रेंड थी जिसने हमारी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। चिप्पू ही वो फ्रेंड थी जिसने हमें कभी लोनली फील नहीं होने दिया, और अब हमारी वो प्यारी चिप्पू हमारे साथ नहीं है, वो भी सिर्फ मेरी लापरवाही की वजह से। मेरा कोई पेट मेरे को देखने के लिए तैयार नहीं है। सबको आई थिंक सच्चाई का पता चल गया। देखो रानी मेरे को कैसे देख रही है, कि यही है वो किलर। गूगलू गुस्सा है मेरे से, मुझे पता है सारे के सारे गुस्सा है मेरे से। चिप्पू हमें इस तरीके से छोड़ के गई, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा होगा चिप्पू के साथ। तो हम लोग चिप्पू की याद में एक स्टैचू बनाने वाले हैं चिप्पू को रिस्पेक्ट देते हुए। तो मैंने चिप्पू के स्टैचू के लिए ये वाला प्लेटफॉर्म चुना है, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म अच्छा है और चिप्पू का स्टैचू हमेशा हमारी नज़रों के सामने रहा करेगा, हम उसे रिस्पेक्ट दे पाएंगे, और हमें बढ़िया से बढ़िया और एकदम तबाहीदार स्टैचू बनाना है ताकि चिप्पू जहाँ भी है वो इस स्टैचू को देख कर हमारे प्यार का अंदाज़ा लगा सके कि हम उसे कितना प्यार करते थे। आई प्रॉमिस मैं चिप्पू का इतना अच्छा स्टैचू बनाऊंगा ना कि वो मेरे को स्वर्ग में बैठे बैठे मेरे को माफ़ कर देगी। तो चिप्पू का स्टैचू मैं फुल वूल से बनाने वाला हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि चिप्पू का स्टैचू बिल्कुल सॉफ्ट से सॉफ्ट रहे जैसे कि वो रियल लाइफ में थी। तो हम लोगों को बहुत सारी भीड़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मेरे को दबा के प्रजनन करवाना पड़ेगा। ये लो जी, दबा के प्रजनन करो। अरे आपके लिए तो कोई पार्टनर ही नहीं है सर। कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको। ए बेबी आ गया, तू भी जल्दी बड़ा हो ताकि मैं दोबारा प्रजनन शुरू करवा सकूं। देखो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोगों को चाहे ओवर टाइम करना पड़े प्रजनन, लेकिन करो, दबा के करो, ठीक है? मेरे को एक आर्मी चाहिए तुम लोगों की। तू बड़ा हो रे जल्दी, कितना टाइम लगाएगा? जल्दी से ग्रो हो और सोसाइटी के लिए एक अच्छा नागरिक नहीं बनना तेरे को बनना है प्ले बॉय। क्या बनना है? मार्केट में लड़कियां ताड़ते रहते हैं ना, वो बनना है तेरे को, ताकि तू ज़्यादा एक्साइटेड रह सके, क्योंकि मेरे को फिलहाल प्रजनन चाहिए, ठीक है? मेरे को तेरे को डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनाना, मेरे को क्या बनाना है? ओहो बन गया तू, ये ऑलरेडी बन गया, बहुत बढ़िया। देखा प्ले बॉय बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता लोगों को, और तू अपने बाप जैसा बनना है तेरे को, ठीक है? समझ में आ रही है? ये लिखा दबा के। ओके, तो मेरी प्ले बॉय फैक्ट्री अच्छी तरह काम कर रही है अपना, हमें बहुत सारी शीप्स जल्दी ही देखने को मिलेगी, उसके बाद मैं अपनी चिप्पू वाले स्टैचू पे काम करना चालू करूंगा। वो वाला विलेजर कहाँ पर है? ये ओए तेरे को बचाया था मैंने। किसको बचाया था भाई मैंने? तेरे को, इसको बचाया था आई थिंक, ये बाहर जाने के चक्कर में हो रहा है। बेटा जॉब पकड़ फटाफट, मैं रैपटे भी मारूंगा बहुत जोर। इस फार्मर के चक्कर में ना रह तू, इसे इंप्रेस करने के चक्कर में हो रहा है। अबे जॉब पकड़ फटाक दनी सी, और सस्ते में कोई जुगाड़ पानी दे मेरे को। ये फार्मर से अखियां ना लड़ा हुआ तू, यहाँ बनवाऊ तेरी बॉलीवुड फिल्म है, रोमांस करेगा। जॉब तो करनी नहीं, अनएम्प्लॉयड बंदा। ओके गाइस, तो अब मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है, क्योंकि अब टाइम आ गया है आई थिंक हम विदर का सामना करें, लेकिन उससे पहले ऑब्वियसली मेरे को अपना फुल डायमंड आर्मर करना पड़ेगा और थोड़े पोशंस बनाने पड़ेंगे। तो विदर से लड़ने के लिए मेरे पास एक प्लान है। अब विदर क्योंकि एंडर ड्रैगन से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और डेंजरस है, तो उसको डिफीट करने के लिए ऑब्वियसली हमें एक प्लान का यूज़ करना पड़ेगा। अब सबसे पहली बात यह है कि मेरे को लोकेशन डिसाइड करनी पड़ेगी कि मैं विदर को कहाँ स्पॉन करूँ। अपने घर के आसपास नहीं करना चाहता, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत करी है ये सब बनाने में। पहले मेरा प्लान ये था कि मैं विदर को समुद्र में स्पॉन करूँ और देखें उसका रिएक्शन क्या होगा अगर वो समुद्र में स्पॉन होता है तो। लेकिन उसके बाद मुझे वो आइडिया ठीक नहीं लगा, क्योंकि अगर मैंने उसे समुद्र में स्पॉन करा और वो डायरेक्ट मेरे विलेज की तरफ आया तो सीन हो जाएगा। तो मैं वो रिस्क नहीं लेने वाला, बिकॉज ये वन टाइम काम होगा और मैं उसे बिगाड़ना नहीं चाहता। तो इसीलिए मेरे माइंड में एक और बेहतरीन प्लान है, लेकिन उसके लिए मेरे को पहले एक स्पॉट देखना पड़ेगा बढ़िया सा। एंड मैन सर, अपनी आई दे दो मेरे को ज़रा।
आप टेलीपोर्ट होते रहो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। आजा 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 आ आ ओ बेटे, मेरी शील्ड गई भाई। मेरे पास एक और शील्ड है पर नो प्रॉब्लम। हो एंडरमैन कहाँ गया? ओ है, गिव मी दैट एंड बॉल बेबी। ओ ओ बच गया, बाप रे। ओके तो मैंने जगह डिसाइड करी है दूसरी विलेज। तो मेरा प्लान है कि मैं उस विदर को दूसरी विलेज में स्पॉन करूं और वहीं पर सो जाऊं जब मैं उसे स्पॉन करूं, ताकि वो मेरे घर के पास ना आए। वो वैसे ही मेरे घर के पास नहीं आएगा, बिकॉज़ मेरा प्लान जबरदस्त है। लेकिन मेरे को उसके लिए चाहिए होगी अपनी बकेट्स। तो फिर से फेक चिप्पू का रोल प्ले करने आ गई है भाई। ये बिल्कुल नहीं मानेगी है, ये मेरे को कुछ ज्यादा ही प्यार करती है आई थिंक। ओके तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अपना प्लान। तो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक ऑब्सीडियन का रूम बनाने वाला हूँ छोटा सा, जहाँ पे हम लोग विदर को स्पॉन करेंगे और उस रूम का नाम होगा विदर की जेल। वैसे तो विदर बहुत ज्यादा तबाही मचाता है और सारी जो बिल्डिंग्स होती है उन्हें तोड़ने की क्षमता रखता है, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि अगर हम ऑब्सीडियन को यूज करेंगे तो वो उस रूम से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इस हॉट स्टफ को अपनी बकेट में लेंगे। इससे भी ले भाई। ओके अब बात आती है ऑब्सीडियन तोड़ने की। तो ऑब्सीडियन तोड़ने के लिए मुझे अपनी डायमंड पिकैक्स को यूज करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा टाइम लेगी और बहुत ज्यादा नुकसान देगी मेरी डायमंड पिकैक्स को। तो इस प्रॉब्लम को भी टैकल करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग यूज करने वाले हैं TNTs, बिकॉज जो TNTs होती हैं वो जब भी किसी ब्लॉक को तोड़ती हैं तो वो उस ब्लॉक को पीछे छोड़ती हैं। तो हम उसे फिर हम ऑब्सीडियन पे रखेंगे, ऑब्सीडियन फूटेगा और ब्लॉक्स मिल जाएंगे मुझे ऑब्सीडियन के। बेसिकली बात यह है कि मेरे को बहुत सारी TNTs बनानी पड़ेंगी और आई एम नॉट श्योर कि वो सच में ऑब्सीडियन को तोड़ पाएंगी या नहीं, पर हम लोग ट्राई देने वाले हैं। एक मैं ये सोच रहा हूँ कि जो भी मैं टूल बना रहा हूँ ना आयरन के, इन्हें साथ साथ एनचेंट भी करता जाऊँ। हेल्प करेंगे ना ऑब्वियसली ये मेरी। इन लपैली लुपूली को रख के भी क्या करना मुझे आयरन ब्रेकिंग टूल दे दे भाई। एफिशिएंसी लगानी चाहिए थी वैसे तो इसमें, एफिशिएंसी टू दे दे भाई। अपने पास एक्सपीरियंस लेवल की कोई कमी नहीं है, अपने पास लैपी लुपीली की कोई कमी नहीं है, तो फिर दबा के एनचेंट करो ना, क्या दिक्कत है। 21 TNT आई थिंक मोर देन इनफ है ये। अब हम फ्लिंट एंड स्टील भी ले लेते हैं, बिकॉज उसकी ज़रूरत पड़ेगी TNT फोड़ने में। ऑल राइट, अब हम चलते हैं उस दूसरी वाली विलेज में और जाके देखते हैं, करते हैं तैयारी। तो अब मैंने ये स्ट्रक्चर सा बना तो रखा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी स्ट्रक्चर पे काम करना चालू कर दूँ मैं, कैसा रहेगा। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है ड्रम में, इसके चक्कर में खड़ा हुआ है यहाँ, जा ऐश कर, जी ले अपनी जिंदगी। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं फ्लोर को ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन बनाने के लिए अपने को गड्ढा करना पड़ेगा और इसमें लावा भरना पड़ेगा। एक्चुअली ये बहुत बड़ा रूम है और मुझे इतने बड़े रूम की ज़रूरत नहीं है विदर के लिए, मुझे बस एक छोटा सा पोर्शन चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, हम लोग इसे इतना लेके चलते हैं बस, और ये आई थिंक इतने में विदर स्पॉन हो जाएगा। अबे हट ना ड्रम में, मेरे को 3 ब्लॉक्स चाहिए होते हैं विदर स्पॉन करने के लिए। तो ऐसा करते हैं 4 ले लेते हैं। पहले हम ऐसा करते हैं एक इन्फानाइट सोर्स बना लेते हैं लावा का, ताकि हैं ओके इन्फानाइट सोर्स बन गया ना ये। अब नहीं, ये क्या बात हुई, हम लावा का इन्फानाइट सोर्स नहीं बना सकते पानी की तरह। सही में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले हम लावा को यहाँ छोड़ देते हैं और इसे बहने देते हैं। ओके मुझे एक बकेट और चाहिए होगी ताकि मैं अपनी फुल जो फ्लोर है उसे लावा से भर सकूं। या काम बन गया। अब हम लोग इन दोनों बकेट्स में पानी ले आते हैं और ऑब्सीडियन बनाते हैं फ्लोर को। बूम। अरे कुछ ये क्या बात हुई, तो इसका मतलब तुम्हें एक फुल उसे कहते हैं ना, तो इसका मतलब हमें लेवल वाली लावा चाहिए पूरी, ऐसे नीचे गिरती हुई लावा नहीं चाहिए। हाँ ओके आई अंडरस्टैंड। सो अगर मैं इस लावा को यहाँ गेरूँ तो ये फैलेगी। ओए पागल, बड़ा गवार इंसान था भाई। यार आई थिंक मुझे एक लावा और फिर यहाँ रखनी पड़ेगी। अरे यार बहुत सारी लावा चाहिए ऐसे तो, ये क्या बात हुई। बहुत कम ऑब्सीडियन बना, ये तो 3 ही बना बस। ओके तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आया कि हमें बहुत सारी बकेट चाहिए जिसमें मैं बहुत सारी लावा ला सकूं और उस लावा को एकदम
स्ट्रेट रख सकूं, लेवल पे रख सकूं और उसके बाद उसे ऑब्सीडियन बना सकूं। ओके, 9 बकेट्स काफी रहेंगी क्या? नहीं, हम ऐसा करते हैं थोड़ी और बना लेते हैं और अब हम भर लेते हैं इस सारी बकेट को लावा से। ये बात, ओ कितनी सेटिस्फाइंग फीलिंग है। ओके, बहुत सारी लावा की बकेट्स हो गई अपने पास अब। और TNT उड़ा के देखें यहीं पे। मेरे पास अभी लावा के बकेट्स हैं इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ, इसे मैं चेंज कर देता हूँ ऑब्सीडियन में। नो प्रॉब्लम, इधर भी देखा आधे से ज़्यादा कोबलस्टोन बने, तो इसका मतलब हमें फुल वो स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है लावा की ताकि हम उसे ऑब्सीडियन बना सकें। ओके, अभी फ़िलहाल TNT को यूज़ करके देखते हैं क्या हम ऑब्सीडियन को इस TNT से तोड़ सकते हैं या नहीं। मेरे को इसे जला के बहुत दूर भागना पड़ेगा लेकिन मेरे को नज़ारे के भी मज़े लेने हैं। क्या करूँ, या ऐसे कर लेते हैं और फिर यहाँ से ऐसे ऊपर आ जाएंगे हम। ओके, नज़ारे के मज़े लेना भी तो ज़रूरी है। अबे आग कैसे लग गई इसमें, जलो। भागो 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 भागो, बहुत दूर हो जाओ। ओ बेटे, ओ हो, मच गई, ऑब्सीडियन टूटा। अरे नहीं यार, ऑब्सीडियन तो टूटा ही नहीं, प्लान फेल्ड। लावा ही लावा हो रही पर दुनिया भर की। तो इससे हमें समझ में आया कि ऑब्सीडियन नहीं टूटने वाला। ये भी 6 फोड़ ही देते हैं फिर इनका ही क्या करेंगे, राइट। फुटन दो भाई, मचन दो तबाही आज। ऑब्सीडियन नहीं फूटने वाला भाई साहब, ऑब्सीडियन है एकदम टाइट। तो इसका मतलब हमें हमारी कुल्हाड़ी यूज़ करनी पड़ेगी ऑब्सीडियन लेने के लिए। नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट हम फ्लोर को लावा बना सकते हैं। हम फ्लोर को भी लावा बना सकते हैं और हम छत को भी लावा बना सकते हैं। हमें सिर्फ साइड की वॉल्स के लिए ऑब्सीडियन चाहिए होगा। यार मेरे विलेजर्स कम हो गए हैं, है ना, डेफिनेटली कम हो गए हैं। विलेजर्स इससे ज़्यादा थे, आई गेस मुझे प्रजनन करवाना पड़ेगा इनका भी। हाँ, यप, लव मेकिंग चालू हो चुकी है। यस, मुझे नहीं पता, चाहे तुम लोग गोली खाओ कोई सी भी, एक्साइटेड रहो, बस दबा के प्रजनन चलते रहना चाहिए। ले भाई ले ले आलू खा तू दबा के, एमरल्ड मत दे मुझे, बेबी दे अभी फिलहाल तू। आई थिंक अब इसमें इतनी लावा है कि ऑब्सीडियन बनना चाहिए सारा। आई एम नॉट श्योर बट ट्राई करते हैं। अरे यार क्या हो रहा है ये, बिल्कुल प्लेन चाहिए क्या तुझे? ओके, अब ये ऑब्सीडियन बनना चाहिए या ये बनना चाहिए, बहुत बढ़िया। ये भी, अरे बन गई अपनी फ्लोर यार। और ये भी, अब ये चला जाएगा ना। आए यही तो प्रॉब्लम है, ऐसा करते हैं हम लोग यहीं पे सो जाते। ये क्या, ये कैसा बेड था? तो हम लोग यहीं पे सो जाते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे को लावा का सोर्स यहीं कहीं आसपास मिल जाए। यहाँ पे ज़ॉम्बीज की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब कोई केव होनी चाहिए। वो केव है एक, अब इस केव में लावा मिल सकती है अपने को, सो सोर्स मिल जाएगा इजीली। लावा साउंड आ रही है इस साइड, लावा का सोर्स मिल गया। ओ ये, पहले गिरेगा तू पागल शुभम, इधर जा। ओके, बहुत सारा लावा चाहिए मुझे, गिव मी दैट। बहुत बढ़िया भाई, ये बेस्ट सोर्स मिल गया मुझे आई थिंक। तो ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे डियोराइट लगा देता हूँ ताकि मैं जब नीचे आऊँ तो गिर ना जाऊँ। और अब हम यहाँ से स्ट्रेट ऊपर जाने वाले हैं। मेरी कुल्हाड़ी टूटने वाली है, मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। माइन शेफ्ट, इधर एक माइन शेफ्ट है गाइस। ओ तेरी, हर कोई इतना लकी नहीं होता। लावा का सोर्स ढूंढते ढूंढते हमें माइन शेफ्ट मिल गई, लेकिन ये चमक रही है। एक मिनट, यहाँ मैं आया हुआ हूँ क्या? ओके, सो हमें घर के पास ही मिल गया ये, बिल्कुल। कहाँ पे है मेरा वो, ये रहा, बगल में ही है, लॉल। 3 लावा तो चाहिए ही चाहिए, हर ब्लॉक के लिए एक लावा चाहिए मेरे को, बाप रे। अब हम इसे ऑब्सीडियन बना सकते हैं। फ्लोर हुई कंप्लीट। ओके, अब हमें काम करना है इसकी छत पे। आया है तो अपने यहाँ नीचे लावा है ना, तो मैं ऐसा करता हूँ इसे खोदता जाता हूँ, यहाँ पे गिरा देता हूँ पानी। अब ये नीचे जा रहा है। ओके, लेकिन पानी में तो टाइम लगेगा मुझे, मेरी पिकैक्स जाएगी ऐसे तो। मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता, यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल है, मैं बना लेता हूँ एक स्टोन पिकैक्स बल्कि। ओके, मेरी एन्चेंटेड पिकैक्स टूट गई ना, मेरा सीन हो जाना है। मैं एक्चुअली एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये लगा देता हूँ। अब ये पानी चला गया, अब डबल साइड खोदते हैं, उसके बाद पानी को ऑन कर देंगे ताकि मैं लावा में भी ना गिरूं और सब सेफ रहे। और ये जो टेराकोटा हमने लगाया था इसे अब फ्री कर देते हैं और बस हो गया काम।
इसे हटाओ यार, इसकी ज़रूरत नहीं है। और अब चलते हैं सीधा नीचे, नीचे जल्दी जा। ओ तेरी कहाँ अटक रहा है तू? अच्छा ये सांस लेने के लिए ठीक है, चलो वो जगह नो प्रॉब्लम। ये 16 की 16 अब लावा से भर लेते हैं। ओ बेटे सारी लावा। अरे ये क्या हुआ, मैंने क्यों नहीं दबाया था यार, आई प्रॉमिस। मेरी एक बकेट ख़राब हो गई। अब चलते हैं सीधा ऊपर, कितना सही रास्ता है भाई साहब ये, और माइनशाफ्ट के लिए भी रास्ता बन गया अब ये। पानी से ही आऊँगा मैं सीधा। ओ ओ मैं मरा आई थिंक, या मैं मरा। कोई जगह मिलेगी मुझे सांस लेने के लिए? थैंक यू। देखा ये स्पेसेस इसलिए सही हैं। हमारी रूफ भी तैयार होगी गाइस, यस। बाय द वे क्या मैं अकेला ये बंदा हूँ जिसे ये व्रत वाले चिप्स खाने पसंद हैं? मज़ा आ जाता भाई साहब। सबसे पहले हम लोग ये बकेट्स रख देते हैं जितनी खाली हैं, उसके बाद लेते हैं ये डायमंड्स, और उसके बाद देखते हैं क्या मैं डायमंड्स से अपनी पिकैक्स रिपेयर कर सकता हूँ। थोड़ी सी हो रही है, 2 3 3 से फुल रिपेयर नहीं हो रही ना, मज़ा नहीं आया। वापस लो, इससे बढ़िया तो मैं एक पिकैक्स बनाऊँ। मेरे को स्टिक्स चाहिए। हमें फिर से डिफॉरेस्टेशन करने जाना पड़ेगा। ओके तो अब हम लोग बना सकते हैं एक डायमंड पिकैक्स, और अब देखते हैं इस डायमंड पिकैक्स पे हमें क्या मिलेगा। अनब्रेकिंग 3 मिल जाए यार। क्या हुआ अगर मेरे को कोई बुक नहीं मिली अनब्रेकिंग 3 की? तो हमें अनब्रेकिंग 3 मिल रही है इस पे, उसके बाद मैं कंबाइन कर दूंगा इन्हें। बहुत बढ़िया, तो बेसिकली अब मुझे सिर्फ लेवल्स चाहिए। हाँ चलो भाई, तो मेरा एक्सपी फार्म कुछ खास अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी केव्स हैं जिन्हें मेरे को पहले टॉर्चेस से लाइट अप करना पड़ेगा, तब जाके मेरा एक्सपी फार्म अच्छी तरह काम करेगा। नहीं, बहुत बढ़िया। ओके सो मेरी सारी लेवल्स चली गई ऑब्वियसली, बहुत बढ़िया। मैं लेवल्स बढ़ाने के लिए ही तो कर रहा था। ये फायर एस्पेक्ट ना जितना अच्छा है उतना ही बुरा है। बाहर से ज़ॉम्बी जान लग रहे हैं, मेरे एक्सपी फार्म में एक भी ज़ॉम्बी नहीं आ रहा, क्या बकवास है ये। देखना आए हाय, छतों पर से चढ़ चढ़ के आ रहे हैं। वाह भाई चमक रहा था तो, पार्टी में जा रहा है, पार्टी में कहाँ है शादी बता। अबे यार तुम ना क्या, कितनी तेज भाग रहा है ये। मैं मरा। ओह नो, बच गया। ये सारे गोल्ड आर्मर कौन सी शादी में जा रहे हो भाई? पूरी फैमिली जा रही है क्या? इनविटेशन पे आया है तुम्हें? लगता है मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे ये सारा सामान रख के नेदर में जाना पड़ेगा अपनी लेवल्स बढ़ाने के लिए। इसमें शार्पनेस 2 है यार, इससे मारना चाहिए मुझे इन्हें। अरे फायर रिस्पेक्ट भी है क्या इसमें? ओहो मरा मैं मरा। बच गया, ये अभी मार देता मुझे। और ये हम चले नेदर में, मतलब डेली कोई ना कोई ऐसा काम पड़ ही जाता है कि मेरे को नेदर में जाना ही पड़ता है। ओ बेटे कैसे भीड़ सी लगा रखी है तुमने। मैं फ्लिंट एंड स्टील फिर भी नहीं लाया, चलो खैर वहाँ पे तो गास्ट वगैरह होते नहीं है, लेकिन मेरी किस्मत का कुछ ना पता सही में। ओके मेरी 23 लेवल्स हो गई हैं, और पता है क्या, मैं वापस जा रहा हूँ, बाकी के लेवल्स मैं वहाँ कमा सकता हूँ ऐसी की तैसी। नहीं नहीं नहीं, आओ बहुत रिस्की है। ओ तेरी मरा, भागो 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 भागो, घर के अंदर भागो, घर के अंदर। घर के अंदर सबसे ज्यादा सुकून मिलता है, बाप रे। हो गए फाइनली। चलो इस AFK फिशिंग फार्म का कुछ फायदा तो हो रहा है, सबसे सेफेस्ट तरीका ये लेवल्स बढ़ाने का, अगर XP फार्म आपका काम नहीं कर रहा तो। ओके अब हम लोग उसे एन्चेंट कर सकते हैं। कहाँ है मेरी डायमंड की? ये रही, गिव मी दैट अनब्रेकिंग 3 बेबी।
और अब हम लोग एनविल को यूज करके इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, कुल्हाड़ी प्लस दिस। यार सीरियसली पलटियो। 28। अच्छा हाँ, हम इसे कंबाइन कर सकते हैं ना। या डैमेज वाली को आगे रखे तो कॉस्ट कम हो गई। अरे ये किसी किसी चीज पे काम करता है। ठीक है, अब आ रही बात समझ में। तो बस चेंज करके देख लिया करो, जहाँ कॉस्ट कम मिल रही है वैसे ही कर लो। तो मेरे को 28 चाहिए ना, तो एक लेवल बढ़ानी पड़ेगी। अरे लेकिन फिर नाम सेम नहीं रहेगा, इससे नाम सेम रहेगा। अरे ये बात है। तो 29 फिर भी, अगर मैं दोबारा इसे कुल्हाड़ी नाम रखता हूँ तो 29 ठीक है। दो चाहिए, मेंडिंग अनब्रेकिंग 3, फॉर्च्यून 3, एफिशिएंसी 5। भाई साहब मतलब इतनी मेहनत मैंने सिर्फ अनब्रेकिंग 3 पाने के लिए करी है। ओ बाप रे, क्या बात है। अनब्रेकिंग, फॉर्च्यून, मेंडिंग, एफिशिएंसी 5 मिल गई। अब बारी है इस, ओ बाप रे क्या कर दिया मैंने यहाँ का हाल। गिव मी दैट ऑब्सीडियन। वाह कितनी जल्दी टूट रहा है, लेकिन ये लावा भी तो है। 38 ऑब्सीडियन, आई थिंक 38 इज मोर देन इनफ। अब मैं इसलिए निकल रहा हूँ यहाँ से। देख मैं ऐसे गड्ढों में गिर रहा हूँ ना, जो मुझे पसंद नहीं आ रहा ये चीज़। मेरे को निकाल दो प्लीज़ यहाँ से, मेरे पास बहुत सारा माल पानी है। मैंने 38 ऑब्सीडियन तोड़े हैं और देखो मेरी पिकैक्स, भाई साहब एकदम वैसी की वैसी है। अब हमारी जो विदर जेल है वो तैयार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज अब बस मुझे दीवारें खड़ी करनी है। ऑल राइट, हम लोग कंप्लीट पैक हो गए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये तोड़ूंगा और यहाँ पे हम लगाएंगे ऑब्सीडियन। तो गाइज ये है हमारी विदर जेल। अब बस मुझे एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब मैं यहाँ पे विदर स्पॉन करूँगा, मुझे जल्दी से जल्दी जाके एक ऑब्सीडियन यहाँ पे लगाना पड़ेगा ताकि वो बाहर ना निकल पाए। और उसके बाद जब वो ब्लो कर देगा इस जगह को, जैसे कि यहाँ पे पूरा स्पेस हो जाएगा, तब मैं अपनी इन्फिनिटी बो लेके उसे दबा के बोझ मारूंगा और वो फिनिश। तो ये है मेरा फिलहाल प्लान। अभी देखना पड़ेगा कि ये प्लान काम करता है या नहीं। मेरे को एक दो ऑब्सीडियन और लाना पड़ेगा, जस्ट टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। और बाकी या इस एपिसोड को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा। हम लोग नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे वो 3 स्कल लाने की और अपना ये आर्मर, डायमंड आर्मर बनाने की। तो यस, मैं मिलता हूँ आप लोगों से माइनक्राफ्ट के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय। यो, कैसी लगी वीडियो? मैं आप लोगों को एक सजेशन देता हूँ, अगर आप लोग ऐसा ही गेमिंग कंटेंट और देखना चाहते हो तो आप लोगों को ना सब्सक्राइब कर देना चाहिए। उससे क्या होगा ना कि आगे आने वाली मेरी जो भी बेहतरीन वीडियोज हैं जो मैं डालने वाला हूँ, वो आप लोग गलती से भी मिस नहीं करोगे। तो इंतजार किस बात का, करिए ना सब्सक्राइब।